नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लंबे वक्त से हम ये कह रहे थे और बिहार के कई राजनीतिक दल ये दावा कर रहे थे, उनके नेता ये दावा कर रहे थे, बिहार में खेला होगा, खेला होगा, खेला हो गया। तो बिहार की सियासत का खेल तो अब हो गया है, लेकिन कुछ खेल और भी बाकी हैं। उस खेल की खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं, RJD के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तकरीबन तय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जो JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं इन दिनों, उन्होंने भी नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी है, नए गठबंधन में नए जिम्मेवारी के लिए बधाई। हम दूसरी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि अब जिस खेल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खेल भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। BJP के खिलाफ बम फूटने वाला है, BJP का पर्दाफाश करने वाली है JDU। जो खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, JDU विधायक दल की आज बैठक थी और इस बैठक में कई विधायकों ने यह माना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 करोड़ में उन्हें खरीदने की कोशिश की है। भाजपा ने 6 करोड़ का लालच दिया और सिर्फ 6 करोड़ का लालच नहीं दिया, मंत्री पद का भी लालच दिया और हमें खरीदने की कोशिश हुई। खबर यह भी है कि कुछ ऑडियो भी हैं JDU के विधायकों के पास और उस ऑडियो को इस बैठक में प्ले भी किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज जब ये घोषणा करेंगे कि BJP से दोस्ती टूट चुकी है, नए गठबंधन का ऐलान हो चुका है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो फिर जो वजह बताई जाएगी BJP से दोस्ती टूटने की, वो वजह यही बताई जाएगी। इस ऑडियो को भी शायद प्ले कर दिया जाए, इस ऑडियो को भी लोगों को सुनाया जाए, बताया जाए कि देखिए कैसे हमारे साथ रहते हुए हमारे ही विधायकों को खरीदने की कोशिश BJP कर रही थी। बहरहाल ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। नीतीश कुमार या ललन सिंह इसको, इस ऑडियो को प्ले करते हैं नहीं करते हैं, कोई ऑडियो है भी या नहीं है, ये देखना होगा। लेकिन जब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सबूतों के साथ खुलासा करेंगे किसने कैसे और क्या साजिश रची, तभी ये साफ हो गया था कि अगर इतने भरोसे के साथ JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं तो BJP के खिलाफ कोई बड़ा बम फूटने वाला है। फिर धीरे धीरे ये खबर आने लगी कि सबूत तो हैं, सिर्फ RCP सिंह का कच्चा चिट्ठा नहीं है JDU के पास, बल्कि BJP का भी कच्चा चिट्ठा है, कथित तौर पर, हम नहीं कह रहे हैं, जो JDU ये दावा करती रही है और जो जानकारी सामने आती रही है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, तो BJP का कच्चा चिट्ठा भी आज JDU खोलने वाली है। नई सरकार के गठन तक, JDU BJP की दोस्ती टूटने तक बिहार का सियासी खेल सीमित नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है जैसे अब तक ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। BJP के खिलाफ खुलासा होना बाकी है, ऑडियो बम फूटना बाकी है, देखना होगा क्या होता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि JDU के विधायकों ने आरोप लगाया है नीतीश के सामने, ये खुलासा किया है कि हमें 6 करोड़ में खरीदने की कोशिश हुई, हमें मंत्री पद का लालच दिया गया, और उसके बाद यही वो वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार BJP से इतने नाराज हुए। वैसे नाराजगी तो कई चीजों को लेकर हुई और अक्सर BJP से JDU की नाराजगी सामने आती रही है, नीतीश की नाराजगी सामने आती रही है, लेकिन जब BJP ने, जो कहा जा रहा है कि JDU के विधायकों को खरीदने की कोशिश की, तो JDU की नाराजगी, नीतीश कुमार की नाराजगी शायद इतनी बढ़ गई BJP के लिए मनाना मुश्किल हो गया और नीतीश कुमार के पास BJP से अलग होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।